ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है देखेंगे इंशाल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन अवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपीओ के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।